हेलो स्टूडेंट, आज फिर इस क्लास में हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में प्लांट पैथोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था डिजीज कंसेप्ट ऑफ डिजीज क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में हम आज इस क्लास में हम प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग के बारे में इस क्लास में हम मीनिंग्स एडवांटेजेस मेथड्स और एग्जांपल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं डिजीज फोरकास्टिंग। डिजीज फोरकास्टिंग क्या, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो डिजीज फोरकास्टिंग एक प्रकार से जो कोई भी स्पेसिफिक एरिया है उस स्पेसिफिक एरिया में जो डिजीज की जो ऑक्यूरेंसी है उसके बारे में जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बारे में हम जब हम भविष्यवाणी करते हैं, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, डिजीज फोरकास्टिंग के तहत वो आता है। तो इस प्रकार से ये जो डिजीज फोरकास्टिंग है इसके द्वारा हम किसी भी फील्ड में एरिया में होने वाले जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको एक प्रकार से हम बचा सकते हैं। साथ ही हम उस एरिया में एक टीम वर्क के माध्यम से और साथ ही साथ टाइम को बचाते हुए, एनर्जी को बचाते हुए, मनी को बचाते हुए एक प्रकार से अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हम एक प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग करते हैं। इस डिजीज फोरकास्टिंग को समझने के लिए हम एक प्रकार से वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से कुछ जान सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं वेदर फोरकास्टिंग का, हम आजकल जो टीवी समाचार से इनके बारे में बहुत सुनते हैं, उसमें ये बता दिया जाता है कि ये कंडीशंस बन रही हैं, तो इस कंडीशंस के आधार पर एक प्रकार से इस एरिया में अमुक एरिया में भारी बारिश हो सकते हैं, अति भारी बारिश हो सकते हैं, लाइट रेन हो सकते हैं, तो उसकी एक प्रकार से फोरकास्टिंग की जाती है। इसी प्रकार से प्लांट डिजीज की जो पैथोजेंस है उसकी कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कंडीशंस, पोस्ट की कंडीशंस के आधार पर एक प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग कर दी जाती है। वो किसके लिए किया जाते हैं, फार्मर्स के लिए किए जाते हैं। उनको बता दिया जाता है कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये जो टाइम है, इस टाइम में ये अमुक डिजीज प्रोड्यूस होगा, तो उस अमुक डिजीज को प्रोड्यूस होने के दौरान एक प्रकार से फार्मर्स को एडवाइस दी जाते हैं कि हम फार्मर्स एक प्रकार से टाइम सेविंग को चेंज कर सकता है, या कुछ अमुक जो फंजीसाइड से उनका यूज करते हुए उस पैथोजेंस के अटैक से अपनी फसल को वो बचा सकता है। तो इस प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग की जाती है। तो जो ग्रेप वाइन है उसमें जो ग्रेप्स में डाउनी मिल्डू डिजीज होता है उसके लिए फ्रांस में फोरकास्टिंग का यूज किया गया। इसी प्रकार से जर्मनी है, इटली है, उनमें 1920 में डिजीज फोरकास्टिंग मेथड्स वहां पर प्लांट डिजीज के लिए यूज किए। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग है, प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग का कुछ जो कंट्रीज हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से ग्रेप वाइन डाउनी मिल्डू डिजीज के लिए जो कंट्रीज है जहाँ डिजीज फोरकास्टिंग की जाते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, रोमानिया, स्पेन, यूएसए, यूगोस्लाविया, ये। इसी प्रकार से कुकरबिट जो डाउनी मिल्डू इसके लिए यूएसए में की जाते हैं। पोटेटो लेट ब्लाइट के लिए स्पेशली नीदरलैंड जो आयरलैंड है वहां पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जापान, नॉर्वे, पेरू, यूके, यूएसएसआर यहाँ पर की जाती है। इसी प्रकार से टबेको फ्ल्यू मोल्ड्स के लिए कनाडा, यूएसए में, एप्पल एंड पियर स्केप के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए में। इसी प्रकार से शुगर बीट रोट के लिए यूएसए में, वीट ब्राउन रस्ट के लिए यूएसए में, कॉर्न बैक्टीरियल विल्ट के लिए जो एरविनिया स्टीवार्ट द्वारा होता है उसका यूएसए में, और शुगर बीट के लिए यूएसए में इसकी डिजीज फोरकास्टिंग की जाती है। अब नेक्स्ट जो अपना है उसमें डिजीज फोरकास्टिंग के लिए क्या चीजें होना जरूरी है, क्या चीजें डिजीज फोरकास्टिंग में हो जिसके माध्यम से एक प्रकार से हम उस प्लांट्स में एक प्रकार से उस पैथोजेंस के एपिडेमिक होने से उसको रोक सके। इसमें दिखाया गया कि फोरकास्टिंग डिजीज ए पार्ट ऑफ एप्लाइड एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी है जो महामारी है उसी का एक पार्ट इसको माना जाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स ही
किसी डिजीज के लिए एपिडेमिक होने के लिए या नहीं होने के लिए एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट आता है होस्ट फैक्टर। जैसे कि कल हमने जो डिजीज ट्रायंगल्स के बारे में हमने अध्ययन किया था उनमें फैक्टर्स पढ़े थे। होस्ट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर में प्रीवलेंस ऑफ ससेप्टेबल वेराइटी इन द गिवन लोकेलिटी। एक प्रकार से जो आपका एरिया है वहां पर एरिया में अगर ससेप्टेबल वेराइटी अगर उगाई जा रही है तो उसमें डिजीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार रेस्पॉन्स ऑफ ए होस्ट डिफरेंट स्टेज ग्रोथ, एक जो प्लांट्स है उस प्लांट्स की जो विभिन्न अवस्थाएं होते हैं, यंग स्टेज है, ओल्ड स्टेज है, इसी प्रकार से उसकी जो प्लांटलेट स्टेज है उसमें पैथोजेंस की एक्टिविटी है उसका प्रभाव भी वहां पर पड़ता है। एक डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होस्ट इन गिवन ए लोकेलिटी, एक प्रकार जो आपका जो एरिया है उस एरिया में जो होस्ट है उसकी डेंसिटी कैसी, कितना घनत्व है उसका, कितने एरिया में बोए जा रहे हैं, क्या वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में वो अटैच तो नहीं है, संपर्क नहीं है, तो उस कंडीशन में एक प्रकार से उस डिजीज के फैलने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा जो फैक्टर्स आपका आता है पैथोजन फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, पैथोजन फैक्टर। पैथोजन फैक्टर में अमाउंट ऑफ प्राइमरी इनिशियल इनोकुलम इन द एयर सोइल एंड प्लांटिंग मटेरियल, जो आपका जो प्राइमरी इनोकुलम्स है वो प्राइमरी इनोकुलम सोइल में कितना प्रेजेंट है, एयर हवा में कितने स्पोर्स हैं, साथ ही जो प्लांटिंग मटेरियल है आपका जो सीड्स हैं, सीड में एक्सटर्नल इंटरनल सीड बोन जो प्लांट पैथोजेंस है वो कितना है, वो उस पर पैथोजन फैक्टर्स के तहत आता है। इसी प्रकार से डिस्पर्सल ऑफ इनोकुलम, जो पैथोजेनिक प्रोपेग्यूल्स हैं उनकी पैथोजेनिक प्रोपेग्यूल्स या इनोकुलम का डिस्पर्सल कितना हो रहा है, हवा के माध्यम से हो रहा है, पानी के माध्यम से हो रहा है, सीड्स के माध्यम से हो रहा है, वो उसकी मात्रा पर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार स्पोर जर्मिनेशन, स्पोर जर्मिनेशन कितना फास्ट हो रहा है वो है। एक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की कैपेसिटी क्या है, उस पैथोजन की इन्फेक्शन की कैपेसिटी क्या है, उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी क्या है, ये सब पैथोजेनिक फैक्टर में आते हैं। इसी प्रकार से इंक्यूबेशन पीरियड, कोई भी प्लांट डिजीज है उस प्लांट डिजीज का एक प्रकार से पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन के बाद में डिजीज सिम्टम्स ओक्यूर होना, वो एक प्रकार से इंक्यूबेशन पीरियड के तहत आता है। इसी प्रकार से स्पोरेशन ऑन द इन्फेक्टेड होस्ट, रीडिस्पर्सल मतलब जब पैथोजन जो पैथोजेंस है अपने पैथोजेंस अपने वेजिटेबल ग्रोथ कंप्लीट कर चुका होता है, अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट कर चुका होता है और अपनी कॉलोनी का निर्माण कर चुका होता है, उसके बाद में वो होस्ट का जो सरफेस एरिया है जो कम पड़ने के कारण से वो एक प्रकार से होस्ट के एपिडर्मिस रैप्चर हो जाते हैं, रैप्चर के बाद में उसका सेकेंडरी डिस्पर्सल होता है, सेकेंडरी एक प्रकार से डिजीज इंफेक्शन वहां पर होता है, वो उसकी कितनी क्षमता है। एक प्रीनेटिंग स्टेज, जब एक प्रकार से अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस होते हैं उस दौरान उस पैथोजेंस में प्रीनेटिंग स्टेजेस कौन कौन से टाइप हैं, जैसे कि हम एल्ब्यूको किंडा के लिए पढ़ाता है वहां पर जब जायगोट बनता है तो जायगोट के बाद में जब अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं तो वहां पर जो जायगोट अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है और उस स्पोर का रूप धारण कर लेता है। ये उस स्पोर्स एक प्रकार सोइल में पड़े रहते हैं, इसी प्रकार क्लेमाइडो स्पोर्स है जो सोइल में पड़े रहते हैं, तो ये प्रीनेटिंग स्टेजेस पैथोजन में है कि नहीं है वो डिपेंड करते हैं। एक इनोकुलम पोटेंशियल एंड डेंसिटी इन द सीड सोइल एंड एयर, इनोकुलम पोटेंशियल जो एक प्रकार से पैथोजन प्रोपेगुल्स है उनमें इन्फेक्शन की कैपेसिटी कितनी है, उनमें कितनी क्वांटिटी डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती है, उसमें सीड्स में कितने पोटेंशियल है, पैथोजन सोइल है एयर है कितने कितना उसमें उपस्थित है, ये एक प्रकार से पैथोजन फैक्टर में आता है। साथ ही जो पैथोजन है वो कितना विरुलेंट है, कितना उग्र है, अगर पैथोजन विरुलेंट होगा तो उस कंडीशन में वो एक प्रकार से एपिफाइटोटिक डिजीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल हो पाएगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंट फैक्टर्स। एनवायरमेंट फैक्टर्स में जैसे कि हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर एक प्रकार से जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेवरेबल कंडीशन में उसके लिए आवश्यक होता है। जैसे कि जो लेट ब्लाइट डिजीज और पटेट होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, जो टेम्परेट रीजन होते हैं वहां पर 10 डिग्री जो टेम्परेचर है वहां पर ये फेवरेबल होता है टेम्परेचर। इसी प्रकार से जो एक प्रकार से जो सिर्फ उष्ण कंडीशन वाले होते हैं वहां पर 25 डिग्री टेम्परेचर होता है उष्ण कंडीशन पर वो डिजीज ज्यादा फैलता है। तो ये जो टेम्परेचर है वो क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर टेम्परेचर भी अलग अलग इसका पैरामीटर होता है। इसी प्रकार से ह्यूमिडिटी, अक्सर ये माना जाता है कि ह्यूमिडिटी एक प्रकार से मतलब ह्यूमिडिटी प्रोपोर्शनल टू
प्लांट डिजीज है, प्रकार से जो जितने जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है प्लांट डिजीज भी बढ़ता जाता है। लाइट इंटेंसिटी अगर कम होगी तो डिजीज इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो डिजीज इन्फेक्शन कम होगा। विंड वेलोसिटी, हवा का एक प्रकार प्रवाह कैसा है, हवा का प्रवाह कमजोर होगा तो उस कंडीशन में डिजीज फैक्टर्स डिजीज ज्यादा फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस प्रकार से एक बात है क्लाउडनेस, बादल कितने सघन है, बादल कितने छाए रहे, अगर बादल छाए जाते हैं ज्यादा रहते हैं बादल तो उस कंडीशन में एक प्रकार डिजीज फैलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस फॉर डिजीज फोरकास्ट, डिजीज फोरकास्टिंग के लिए क्या चीज होना आवश्यक है, कब आप डिजीज फोरकास्टिंग को सक्सेसफुली बना सकते हो, सफल बना सकते हो, तो ये कंडीशंस इसने यहाँ बताई गई है कि एक प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग कब सफल होगा। जिस प्लांट्स के लिए आप क्रॉप्स के लिए डिजीज फोरकास्टिंग कर रहे हो उससे एक प्रकार से इकोनॉमिक पैथोजेंस के कारण से या उस फसल में इकोनॉमिक लॉसेस अधिक होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक लॉसेस अगर अधिक हो रहा है उस पैथोजेंस के कारण तो तभी वो जो डिजीज फोरकास्टिंग की जाएगी वो सक्सेसफुली बनी जाएगी। जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है जिससे इंग्लैंड में और वॉलेस में रेंज 6-13% इसके द्वारा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। इसी प्रकार से पोटैटो लेट ब्लाइट के कारण से 28% तक उपज का हानि होती है, साथ ही अगर ये 75% तक भी मिड अगस्त में इसके माध्यम से हानि पहुंच जाती है। इसी प्रकार से कॉमन स्केप डिजीज के कारण से, क्योंकि जो एप्पल है एप्पल इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इकोनॉमिक लॉस वहां पर ज्यादा होता है तो वहां पर इसमें डिजीज फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंस बन जाती है। एक कंट्रोल मेजर मस्ट बी अवेलेबल एंड इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल कॉस्ट, एक प्रकार से जो कंट्रोल मेजर हम अपना रहे हैं वो कंट्रोल मेजर भी एक प्रकार से आपके इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल कॉस्ट में होने चाहिए, ये ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा महंगे हो रहे हैं तो एक प्रकार से आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो आपका प्रभावित होगा। द डिजीज मस्ट बी वेरी ईच सीजन इन द टाइमिंग ऑफ द फर्स्ट इन्फेक्शन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस, प्रकार से जो डिजीज है डिजीज में जो उसकी टाइमिंग होते हैं उसमें वेरिएशन होना चाहिए, मतलब उसमें एक प्रकार से डिजीज के फैलने की इन्फेक्शन की अधिक से अधिक चांसेस होने चाहिए अमुक टाइम में। इट डज नॉट देयर इज नो नीड फॉर फोरकास्टिंग, अगर ये ऐसी कंडीशंस नहीं है तो डिजीज फोरकास्टिंग का कोई मतलब नहीं। द क्राइटेरिया और मॉडल यूज इन मार्किंग द प्रिडिक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड इन्वेस्टिगेशनल वर्क, एक प्रकार से जो आप इन्वेस्टिगेशनल वर्क या लेबोरेटरी वर्क भी उसमें होना चाहिए, फील्ड टेस्ट भी उसमें होना चाहिए, एक प्रकार से तभी उस डिजीज फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को हम मान सकते हैं। इस प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग तभी सफल मानी जाएगी तब उसके माध्यम से अधिक फार्मर्स को लाभ होना चाहिए। ग्रोवर मस्ट हैव सफिशिएंट मैन पावर एंड इक्विपमेंट टू अप्लाई कंट्रोल मेजर व्हेन डिजीज वार्निंग इज गिवन, एक प्रकार से जो ग्रोवर्स होते हैं वहां पर एक प्रकार से मैन पावर भी होना चाहिए, इक्विपमेंट्स भी उस एरिया में फार्मर्स के पास होना चाहिए ताकि जब आपके द्वारा डिजीज वार्निंग दी गई उस कंडीशंस में अमुक टाइम में वो फार्मर्स उस प्रिडिक्शंस का यूज करते हैं शॉर्ट टर्म में उस प्लांट्स को फोरकास्टिंग के लिए कुछ उपाय कर सके। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग, डिजीज फोरकास्टिंग मेथड्स क्या क्या, कैसे डिजीज फोरकास्टिंग की जाती है। डिजीज फोरकास्टिंग रिक्वायर्स फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑन द पैथोजन फैक्टर्स, कलेक्शन ऑफ वेदर डाटा, वेराइटी ऑफ द क्रॉप एंड सर्टेन इन्वेस्टिगेशन देयर पॉलिसी, यूजुअली फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड इन डिजीज। डिजीज फोरकास्टिंग जब आप किया जाता है तो डिजीज फोरकास्टिंग के दौरान एक प्रकार से जो प्रेडेटर्स होते हैं उन प्रेडेटर्स के पास प्रेडिक्शन के पास एक प्रकार से क्या चीज होनी चाहिए तो उनके पास पैथोजेंस के फैक्टर्स उनके पास उपलब्ध होने चाहिए, उसी प्रकार से जो वेदर डाटा उनके पास होना चाहिए, क्रॉप्स के बारे में उनके पास जानकारी होनी चाहिए और साथ साथ इन्वेस्टिगेटर को एक प्रकार इनके बीच में आपस में कोरिलेशन का भी उनकी जानकारी इनके पास होनी चाहिए तभी एक एक प्रकार से जो फोरकास्टिंग करने वाला पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम, इसमें बताया कि फोरकास्टिंग एक प्रकार से प्राइमरी इनोकुलम पर बेस्ड होनी चाहिए, एक प्रकार से जो फोरकास्टिंग करने से इससे का ज्ञान होना चाहिए कि जो पैथोजेंस डिजीज फैल रहा है वो डिजीज फैलने के लिए प्राइमरी इनोकुलम क्या है,
प्राइमरी इनोकुलम मीन्स वो जो पैथोजेंस है वो सोइल बॉर्न डिजीज है या एयर बॉर्न डिजीज है या सीड बॉर्न डिजीज है, मतलब उसका डिजीज का प्रसार क्या हवा के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, कोनिडियास के माध्यम से हो रहा है, या सीड बॉर्न मतलब सीड की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सीड पोर्ट होता है वहां पर क्या उसके पैथोजेंस उपस्थित है, प्राइमरी इनोकुलम वहां पर उपस्थित है, या सोइल में जो प्लांट पैथोजेंस है सिस्ट है या स्पोर्स है क्या वो सोइल में उपस्थित है, उसके बेस पर एक प्रकार से प्राइमरी इनोकुलम की जानकारी के आधार पर ही एक प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन, जो वेदर कंडीशन है वेदर कंडीशन के आधार पर ही एक प्रकार से इनके वेदर की कंडीशन को मेजर्ड किया जाए और मेजर करके इसके बेस पर ही एक प्रकार डिजीज फोरकास्टिंग की जाए। टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल है, लाइट है, विंड वेलोसिटी है, ड्यूरिंग ऑफ द क्रॉप सीजन, ड्यूरिंग द इंटर क्रॉप सीजन आर मेजर्ड, वेदर कंडीशन अबव द क्रॉप एंड एट द सोइल सरफेस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। एक प्रकार से जो ये जो वेदर कंडीशन है इन वेदर कंडीशन की जानकारी के बेस पे डिजीज फोरकास्टिंग की जाए। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन कोरिलेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो डिजीज फोरकास्टिंग है, डिजीज फोरकास्टिंग ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके मध्य कोरिलेशन के बेस पे होना चाहिए, इनमें मध्य किसी संबंध का, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या डिजीज की इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्या क्लाउडनेस बढ़ रही है तो डिजीज फैलने का प्रसार बढ़ रहा है, तो ये जो कोरिलेशन है इनके कंपेयर है इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर डिजीज फोरकास्टिंग, इन सम एडवांस कंट्रीज फोरकास्टिंग ऑफ डिजीज मेड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं जो विकसित देश होते हैं वहां पर एक प्रकार डिजीज फोरकास्टिंग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी फोरकास्टिंग की जा सके। जो अमेरिका है, अमेरिका में डिजीज फोरकास्टिंग कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं ब्लाइट कास्ट, क्या कहते हैं ब्लिट कास्ट फॉर पटेटो लेट ब्लाइट, एग्जाम्पल ऑफ वेल डेवलप्ड फोरकास्टिंग सिस्टम आर गिवन। अब जो इस प्रकार से नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट जो प्लांट डिजीज है इसके अगेंस्ट जो डिजीज फोरकास्टिंग की जाती है उनके एग्जाम्पल पर दिए जा रहे हैं, जैसे अर्ली एंड लेट लीप स्पॉट ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड नट में जो अर्ली और लेट लीप स्पॉट होता है उसके लिए कौन सी कंडीशंस होते हैं, जहाँ यूएसए जो है अमेरिका वहां पर ये माना जाता है कि अगर एक प्रकार से मिनिमम टेम्परेचर वहां पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरा वेट कंडीशंस है 10 आवर्स है वेट कंडीशंस है, और दूसरा जो एक प्रकार से ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस के आधार पर वहां पर डिजीज फोरकास्टिंग यूएसए में की जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 95% होती है यूएसए में तो उस कंडीशंस में अगर प्रीवियस फाइव डेज फिर टू कंप्यूटर प्रकार से कंप्यूटर में जो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये जो डाटाज होते हैं डाटाज को क्या फीड करते जाते हैं और फीड करके इसके बेस पर क्या कर देते हैं डिजीज फोरकास्टिंग कर दी जाए। नेक्स्ट है लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो, लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो एक प्रकार से ये जो डिजीज था इसके पत्ते सर्वप्रथम एक प्रकार से आयरलैंड नीदरलैंड में डिजीज फोरकास्टिंग की जाती थी और अमेरिका में भी इसके लिए डिजीज फोरकास्टिंग की जाती है लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो, जिसका पैथोजेंस क्या है फाइटोपोरा इन्फेस्टेंस। अब ये किस बेस में की जाती है लेट ब्लाइट फोरकास्ट 7 to 14 days आफ्टर द ओक्यूरेंस, एक प्रकार जो डिजीज जब ओक्यूरेंस हो जाता है उसके 7 to 14 days के बाद में डिजीज फोरकास्टिंग कर दी जाती है। अब किस इनका बेस क्या होता है, एक प्रकार से 5 दिन का अगर एवरेज टेम्परेचर 25-25.5 degrees टेम्परेचर वहां पर उपस्थित है, टोटल रेनफॉल लास्ट 10 days का जो 3.0 centimeters से अधिक है, और साथ ही अगर वहां पर अगर ह्यूमिडिटी है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90-95% करीबन है तो उस कंडीशंस में वहां पर क्या कर दिए जाते हैं डिजीज फोरकास्टिंग
की जाती है उस डिजीज के प्रति फार्मर्स को पहले से ही बता दिया जाता है। इसी प्रकार से ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी, द ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी जो पैथोजेंस का होता है एक्सोबेसिडियम विक्सेंस, जो एक्सोबेसिडियम जो विक्सेंस है इसके एक प्रकार से बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, हवा में उपस्थित होते हैं और एक प्रकार टी प्लांटेशन के दौरान उसकी सर पर जब विटनेस होते हैं, लीव्स विटनेस होते हैं, विटेंस मतलब गीली होते हैं, तो उस कंडीशन में एक प्रकार से ये डिजीज आसानी से फैल जाता है, तो वहां पर इसके लिए डिजीज फोरकास्टिंग कर दी जाती। साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, इसके लिए भी वहां पर डिजीज फोरकास्टिंग की जाती। नेक्स्ट है राइस ब्लास्ट। इंडिया में राइस ब्लास्ट जो डिजीज है, जो चावल का जो झुलसा रोग होता है, ब्लास्ट डिजीज होता है, जो कि पायरिक्युलेरिया ओराइजी के द्वारा होता है, इसका पैथोजन क्या है, पायरिक्युलेरिया ओराइजी। तो एक प्रकार से इसके लिए क्या कंडीशंस होनी जरूरी है कि 20 से 26 डिग्री टेम्परेचर वहां पर उपस्थित है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड फोरकास्टिंग पर अप्लाई की जाते हैं इंडिया में राइस ब्लास्ट डिजीज के लिए। इसी प्रकार से वीट स्टेम रस्ट जो डिजीज होता है, इट वीट डिजीज के पट्टी भी एक प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग की जाती है। कब, जबकि जो एयर जो होती है, हवा जो होती है, इस हवा में अगर इनोकुलम प्रेजेंट, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट जो ब्लैक रस्ट डिजीज और वीट है, इसमें जब जनवरी फरवरी का महीना होता है, उस दौरान जब पहाड़ियों से मैदानी भागों और हवा चलती है, उस हवा में अगर अगर यूरिडिया यूरिडोस्पोर्स हैं, टेलियोस्पोर्स अगर वहां में उपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में वो एक प्रकार से जो वीट क्रॉप्स होते हैं, वीट क्रॉप से प्राइमरी इनोकुलम का रूप कार्य करते हैं, एयरबोर्न डिजीज के रूप में कार्य करते हैं, उस डिजीज को फैलने में ज्यादा नुकसान, जैसे ज्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में उसके लिए डिजीज के प्रति डिजीज फोरकास्टिंग फार्मर्स को करनी होती है। इसी प्रकार से ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिल्ड्यू कॉर्न जो डिजीज है, जो कॉर्न में होता है, मक्का में होता है, स्क्लेरोस्पोरा रेसी वेराइटी सी के द्वारा होता है इंडिया में। ये रेनफॉल अगर मान लीजिए 200 से 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक है और टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर या इससे कम है, तो उस कंडीशंस में एक प्रकार से डिजीज फोरकास्टिंग वहां पर कर दी जाती है। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी ऑफ स्पोर ट्रैपिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्कर्स। एक तो बायोलॉजी और पैथोजन, पैथोजन की बायोलॉजी क्या है, फॉर इन्फेक्शन फोरकास्टिंग, स्पोर डिस्पर्जल ग्रेडियंट्स और मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज जो इसमें आते हैं। इन द मेथड्स क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इज नॉट पॉसिबल एज नंबर ऑफ स्पोर्स कलेक्टेड इज वेरी गुड। जब एक प्रकार से स्पोर कलेक्शन बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में इनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना संभव नहीं होता। उस कंडीशन में ये जो मेथड्स हैं, इनके माध्यम से जो हवा में जो एक प्रकार से एयर में जो है उन जो स्पोर्स है उनकी क्वांटिटी या उनके फोरकास्टिंग के लिए ये मेथड्स यूज की जाती है। कौन कौन सी हैं, हेरिस्ट वॉल्मेट्रिक स्पोर ट्रैप है जो हेरिस्ट ने 1952 में दी थी। इसी प्रकार रोटर्ड सैम्पलर और रोटर्ड स्पोर ट्रैप मेथड है, सटन और जॉन्स 1976 में दी थी, और एंडरसन कैस्केड है स्पोर सैम्पलर। इसी प्रकार से बॉर्डलॉन स्लिट सैम्पलर है, इसके माध्यम से किया जाता है, और बर्कार्ड सेवन डेज वॉल्मेट्रिक स्पोर ट्रैप के माध्यम से की जाती है, और जेट स्पोर ट्रैप के माध्यम से डिजीज फोरकास्टिंग किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डिजीज फोरकास्टिंग एक प्रकार से कोई भी डिजीज है, उस कोई भी डिजीज को एक प्रकार से एपिपाइटोटिक कंडीशंस या महामारी का रूप धारण करने से बचाने के लिए उन फील्ड्स में एक प्रकार से उस एरिया में अमुक एरिया में फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है डिजीज को किस प्रकार से कंट्रोल करें, तो इस प्रकार से हम डिजीज फोरकास्टिंग का यूज करते हैं। डिजीज फोरकास्टिंग स्पेशली जो इसका जो यूज किया गया था वो नीदरलैंड में किया गया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए, जो कि आलू का पचेती अंग मारी रोग है,
इसमें ये बताया गया था कि चार कंडीशंस अगर वहां पर उपस्थित हैं, चार कंडीशंस के पर 10 डिग्री टेम्परेचर जो तापमान है 10 डिग्री टेम्परेचर वहां पर उपस्थित है, दूसरा रेनफॉल 0.1 mm है और जीरो लगभग 0.3 सेंटीमीटर या तो अगर वो उपस्थित है, क्लाउडनेस वहां पर उपस्थित है, तो ये जो तीन चार कंडीशंस होते हैं और पैथोजन वहां पर एक प्रकार से वो हवा में उपस्थित है, वहां पर पैथोजन का इन्फेक्शन हो चुका है, उस कंडीशंस में एक प्रकार से फार्मर्स को डिजीज फोरकास्टिंग करके उनको एडवाइस दी जाते हैं कि अमुक फंजिसाइड्स का स्प्रे किया जाए या जो कल्चर प्रैक्टिस है उनको अपनाया जाए, उनके बेस पर डिजीज फोरकास्टिंग से उस डिजीज को फैलने से हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।